हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो गाइस, आज हम बात करेंगे, अगर आप एक आर्ट टीचर बनना चाहते हैं, आपको क्या, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए और क्या स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। जैसे कि जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे कुछ व्यूअर्स मेरे, तो उनको तो पता ही होगा कि कितने तरह के स्पेशलाइजेशंस होते हैं हमारी आर्ट फील्ड के अंदर। तो अगर आप एक आर्ट टीचर बनना चाहते हैं तो कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना चाहिए। ये मेरे किसी व्यूअर का या किसी सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन था कि सर, मैं आर्ट टीचर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मेरे को कौन सा स्पेशलाइजेशन मुझे चूज़ करना चाहिए। स्पेशलाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि हमारे कोर्स है, लाइक हमारे पास में जैसे 11th या 12th में कोई कोर्स है, तो उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ऐसे ही सेम हमारे इसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक जैसे हम कॉलेज करते हैं, फाइन आर्ट का कॉलेज, तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जैसे पेंटिंग एक स्पेशलाइजेशन हो गया, अप्लाइड आर्ट एक स्पेशलाइजेशन हो गया, स्कल्पचर एक स्पेशलाइजेशन हो गया, आर्ट एजुकेशन एक स्पेशलाइजेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन एक स्पेशलाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशंस होते हैं। अगर हमें एक आर्ट टीचर बनना है तो हमें कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करना चाहिए, तो इस वीडियो में आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइज, हमारे इस आर्ट फील्ड में एक फाइन आर्ट की डिग्री के अंदर कहीं भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि ये वाले स्पेशलाइजेशन से ही आप एक आर्ट टीचर बन पाएंगे। जब कभी भी हम किसी भी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी टीचिंग जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर ओनली आपकी डिमांड होती है कि BFA डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उस जॉब की, जैसे जॉब में अगर डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा चलेगा, अगर उसके अंदर उन्होंने 4 ईयर की डिग्री मांगी तो डिग्री चलेगी, या 2 साल का और MFA मांगे, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, तो उसके हिसाब से वो बताते हैं। उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं होता है कि आपके पास में अगर स्कल्पचर है तभी आप फिल कर सकते हैं टीचिंग जॉब के लिए, या आपके पास में पेंटिंग है तभी आप फिल कर सकते हैं टीचिंग के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो, चाहे आपके पास में स्पेशलाइजेशन में पेंटिंग हुई हो, पेंटिंग से करा हो या कर रहे हो, या आपके पास में अप्लाइड आर्ट हो या विजुअल कम्युनिकेशन हो, आर्ट एजुकेशन हो, तो ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है। इवन आपके पास में हिस्ट्री ऑफ आर्ट भी हो तो ऐसा कोई उसके अंदर कोई ऐसा क्लोज या ऐसा कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप उसमें नहीं अप्लाई कर सकते। तो आप किसी भी स्पेशलाइजेशन के हो तो आप कर सकते हैं आर्ट टीचर के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, समझ गए, क्योंकि जो सारा फाइन आर्ट, क्योंकि थ्योरी जो होती है वो सिमिलर ही होती है सभी की, बस कहाँ चेंजेस होता है स्पेशलाइजेशन में, वो चेंजेस होता है आपका प्रैक्टिकल में, समझ गए। लेकिन फाउंडेशन जो होता है ना, फर्स्ट ईयर में मोस्टली सारे चीज़ों की आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दी जाती है। जैसे प्रिंट मेकिंग के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा फाउंडेशन के अंदर, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर, और ऐसे ही आपको पेंटिंग भी बताया जाएगा, आपको थोड़ा बहुत क्ले मॉडलिंग से रिलेटेड भी बताया जाएगा, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी बताया जाएगा। बट जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में आओगे, तब वहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं। फिर जिस स्पेशलाइजेशन के आप हैं, जैसे आपने पेंटिंग फिल किया था, जिस टाइम आपने अपना फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे आपने चूज़ करा होगा स्पेशलाइजेशन पेंटिंग, तो आपको सेकंड ईयर में पेंटिंग वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, समझ गए। तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आप नहीं भर सकते, आप अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे किसी भी स्पेशलाइजेशन के हो जॉब के लिए। ठीक है, आर्ट टीचर के लिए सिंपल हो गया होगा आपके लिए। और अगर आपने BFA किया हुआ है तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और अगर आपने MFA कर रखा है तो आप ट्राई कर सकते हैं PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है। और फिर तो उसके बाद में GRF, NET वगैरह, ये जब आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आप प्रोफेसर और असिस्टेंट, तो ऐसे कॉलेज के लिए भी लेक्चरर आप फिल कर सकते हो, और फिर PhD वगैरह, तो कोर्स पढ़ाई तो बहुत टाइम तक चलती चली जाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा गाइस। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।